हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। लेट n1 एंड 2 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली इन बॉक्स 1। तो यहाँ पर ये बॉक्स 1 एज्यूम कर लेते हैं और इसके बगल में बॉक्स 2 एज्यूम कर लेते हैं। बॉक्स 1 में जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं वो हैं n1 और ब्लैक बॉल्स हैं n2। इसी तरीके से लेट n3 एंड n4 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली इन बॉक्स 2। तो रेड बॉल जो है बैक 2 में है n3, ब्लैक बॉल्स है n4। ठीक है, आप भी अपनी तरफ से एक बार चेक कर लेंगे इसको। अब इन्होंने क्या कहा है, वन ऑफ द टू बॉक्सेस बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 वॉज सेलेक्टेड एट रेंडम। तो सबसे पहला इवेंट जो हुआ है वो है सिलेक्शन ऑफ इधर बॉक्स 1 और बॉक्स 2, दोनों में से किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट किया है। तो हम यहां पर दो इवेंट अज्यूम कर लेते हैं, एक इवेंट B1 और एक इवेंट B2। B1 है बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड, ठीक है, और B2 है बॉक्स बॉक्स सेकेंड इज सेलेक्टेड। इसके बाद क्या हुआ है, अ बॉल वॉज ड्रॉन रैंडमली आउट ऑफ दिस बॉक्स, द बॉल वॉज फाउंड टू बी रेड। फिर एक इवेंट ई अज्यूम करते हैं, तो ये है रेड बॉल इज ड्रॉन। पहले एक बॉक्स सेलेक्ट किया, देन रेड बॉल ड्रॉ किया। अब कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स सेकेंड इज 1/3। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि जो ये बॉल निकाली गई है, ये बॉक्स सेकंड से निकाली गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो हमारे पास यहाँ पर जो चार ऑप्शंस हैं, इनको हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये जो रेड बॉल निकाली है, ये रेड बॉल बॉक्स 2 से निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो इसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और बेस थ्योरम जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो करंट इवेंट है वो है आपका B2, इससे पहले कौन सा इवेंट हो चुका है, A। ठीक हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन A हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो जब चीजें ऐसे लिखी जाती हैं बेस थ्योरम में, तो आगे का फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, कंजुगेट टर्म में लिखते हैं, ये B2 है, A है, देन आएगा B2, देन आएगा A, देन आएगा B2। तो याद करने का भी तरीका है, इस तरीके से भी याद करके आप लिख सकते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इसी को ही लिख लेते हैं, पी बी टू पी ए बी टू प्लस पी बी वन पी ए बी वन। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है 1/3, 1/3 दे रखा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू तो है 1/2, ये चीज आप ध्यान में रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू 1/2 है। क्यों है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्योंकि आपने दो बॉक्स सेलेक्ट किए हैं ना, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, पहले तो यही इवेंट था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है बॉक्स 1 का सिलेक्शन, जो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 है बॉक्स 2 का सिलेक्शन, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B2 हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A B2, नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A B1। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनकी वैल्यूज रख लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा P A B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A B1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ A B2। ठीक है, इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A B1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A B2। अब ये जो दो इवेंट्स हमारे पास आए हैं, ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये क्या कहता है कि B1 बॉक्स से आपने रेड बॉल निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो B1 बॉक्स में रेड बॉल कितनी है, N1 है, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी N1 ओवर N1 प्लस N2, बॉक्स 1 के लिए हो गई। इसको यहां पर लिख लेते हैं, इसकी जगह N1 ओवर N1 प्लस N2, 2 मल्टीप्लाई, ये है रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B2, तो वो हो जाएगा N3 ओवर N3 प्लस N4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 n3 प्लस n4 इक्वल टू 2 n3 n1 प्लस n2, ये हो जाएगा n1 n3 प्लस n1 n4, ये हो जाएगा 2 n1 n3 प्लस 2 n2 n3। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ये तो n1 n3 है, ये भी n1 n3 है, तो इसको वहां लेके जाते हैं। तो हमें मिल गया n1 m4 इक्वल टू n1 n3 प्लस 2 n2 n3। इस तरीके से हमारे पास ये एक रिलेशन बनकर तैयार हो चुका है। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस को मैं n1 n2 n3 n4 ये वैल्यूज दे रखी हैं, इसको यहां पर पुट करो इन जगह पर और सिंप्लीफाई करके देखो। LHS इक्वल आना चाहिए RHS के, जो जिस ऑप्शन में ये वाली कंडीशन फिट बैठ रही है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।